जय हिंद दोस्तों, मैच शुरू होने से पहले इस पाकिस्तानी का जोश देखिए। आइए देखते हैं, भैरचंद मजा आएगा। पिछली बार पाकिस्तान इंडिया को हराया था, क्या आपको क्या लगता है इस दफा इंडिया पाकिस्तान से बदला ले सकता है? Definitely, Pakistan is going to win, inshallah. Pakistan zindabad. We love you, Pakistan. अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कप का ओपनिंग एनकाउंटर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने जीत लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे कि मैच शुरू होने से पहले ये पाकिस्तानी एवं पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में लंबी लंबी बातें कर रहे थे और लंबी लंबी छोड़ रहे थे, और जब मैच खत्म हुआ तो यही पाकिस्तानी शर्म के मारे मुंह छिपाते दिखे हैं और अपने क्रिकेट टीम को गाली देते भी दिखे हैं। दोस्तों मैच शुरू होने से पहले यही पाकिस्तानी कर थे कि इंशाल्लाह जिस तरह से इंडिया को पिछले साल 10 विकेट से हराया था, इस बार भी इंडिया को 10 विकेट से हराएंगे। जैसे हमने उनको 11 विकेटों से वो क्या कहते हैं शिकस्त दी थी, इस दफा भी हम इंशाल्लाह उनको 6-7 से तो देंगे। 6-7 से 11 से क्योंकि हमारे पास हमारा मेन प्लेयर नहीं है, बॉलर। ओ सर जी नहीं, इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम दुआ जब करती है तो पाकिस्तानी बॉलर अपना 100% परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। ये बातों की बातें हैं कि वो डबल फिगर पे जाएंगे इंशाल्लाह। हम फतह हमारी ही है अल्लाह के हुक्म से। हार्दिक पांड्या के बैट से उनके बल्ले से ये जीत का छक्का निकला है। जब भारत ने पाकिस्तान को हराकर पिछले हार का भी बदला ले लिया है। आप बोल ना मर्डर चोर के यार, इन पे एतबार नहीं करना, पैसे की टेंशन नहीं है। नहीं, एतबार के पाकिस्तानी क्रिकेट पे टीम पे नहीं करना, किस पे नहीं करना? और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है, हमें लगता है रात से फुटबॉल खेल देने हैं। ये जैसे कि बहुत जज्बाती हैं, आप बताएं ये एकदम से गिर गए हैं, इनके हेल्थ प्रॉब्लम था कोई? यार बस एकदम झटका खा गए हैं बहुत। दोस्तों इंडिया से मैच हारने के बाद आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी लोगों का क्या हाल है, लेकिन यही पाकिस्तानी मीडिया एवं पाकिस्तानी लोग हैं जो मैच शुरू होने से पहले इतिहास को फिर से दोहराएंगे और पिछले साल जिस तरह से इंडिया को 10 विकेट से T20 वर्ल्ड कप में हराया था, इस बार भी एशिया कप में हराएंगे। लेकिन दोस्तों इन पाकिस्तानी जाहिर को कौन समझाए कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा ही रहता है। क्यों ना ते इंशाल्लाह 28 नु ते फिर तैयार हो जाओ, कोई गल नहीं, टीवी नहीं तोड़ने तुसी बस। इन्हें तो आ रहा हुआ है, अभी से वो आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे सिर्फ ताड़ी मेहरबानी या रिजवान को या बाबर आजम को आउट करो बस। इंडिया कांपता है पाकिस्तानी बॉलर से। 17 साल का था आमिर जब आया था तेंदुलकर के मुकाबले में, तो कैसे उसने उसकी किली उड़ाई। मैच में तो इंडिया के खिलाफ आखिरी ओवर में हारे हो यार, समझ नहीं आ रही क्या बोलूं के मतलब के दिस इज जस्ट योर बॉलिंग। ओ यार मतलब के मैं करूं तो करूं क्या, अब पूरा जहां आ जाएगा लेने मेरी, ले लो मेरी नहीं ले लो, अब कमर्स पे लोगे ना वैसे ले लो। मैं क्या कह सकता हूँ, किसी मुंह दिखाने लायक मुझे छोड़ा है। दोस्तों मैच शुरू होने से पहले ही मैंने पूरे पाकिस्तान को एक वीडियो मैसेज जारी करके बताया था कि बेटा 28 तारीख से पहले ज्यादा मत उड़ो, नहीं तो तुम पाकिस्तानियों का ऐसा हाल होगा कि शर्म के मारे मुंह नहीं छुपा पाओगे। लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी मानने वाले कहाँ थे, पिछले साल इन्होंने किसी तरह से इंडिया को एक बार हरा के दिया, इन्हें लगा कि बेटा बाप से बड़ा हो गया है, तो बेटा पाकिस्तानियों अब समझ में आया ना कि बाप बाप होता है। खैर दोस्तों इन पाकिस्तानियों का क्या है, भीख मांग के खाना है और आतंकवादी बन के हगना है। वैसे दोस्तों मैं पाकिस्तान के बारे में बताऊं तो पाकिस्तानी लोग सिर्फ दो लोग को सम्मान देते हैं, एक आतंकवादी को और दूसरा खिलाड़ी को जो खिलाड़ी इंडिया के खिलाफ कुछ कर लेते हैं। वैसे दोस्तों अगला संडे फिर इंडिया पाकिस्तान का मैच होने वाला है, और यदि आप फिर से इन पाकिस्तानी को रोता देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे दोस्तों अपने इंडियन क्रिकेट टीम का हमेशा सपोर्ट करते रहिए और कमेंट में लिखे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वैसे यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इन पाकिस्तानियों का मजा ले पाए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन वीडियो देखने वाले सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।